क्या हो रहा है मुझे? मैं इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती हूँ कोर्सा के सामने? ये गलत है सितारा, बहुत गलत। दीदी, छबिली ने दरवाजा खोलने की कई सामान इकट्ठे कर लिए हैं। छबिली, तुम अपना काम बहुत कुशलता से कर रही हो। अब अगली चीज जो तुम्हें लानी है वो है रतन प्रताप के कमरे में रखा उसका सीप। जाओ, जाकर वो सीप लेकर आओ। अब तुम्हें महारानी लक्ष्मी की अलमारी से उनकी मोती की माला का मोती और हीरों की अंगूठी का हीरा लेकर आना है। हेलो, थैंक यू सो मच। लेकिन सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली। एक बार छबीली ये सारी सामग्री लेकर यहाँ आ गई, उसके बाद हमें यहाँ से आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता।
अब जो आखिरी चीज बची है वो है ज्ञानेंद्र का खून। हमारी आजादी के लिए जरूरी उन 7 चीजों में से 6 चीजें मिल चुकी हैं। अब आजादी से बस एक कदम दूर हैं हम। राजगुरु का खून मिलते ही दुनिया की कोई ताकत हमें उस कैद में नहीं रख पाएगी। ये कहां से आ रही हो तुम नेत्रा? सच सच बताओ, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? वरना मैं पूरे महल में बता दूंगी कि तुम चोरी कर रही थी। वैसे एक बात तो तुमने प्रूव कर ही दी कि छोटे लोगों की सोच ना हमेशा छोटी ही रहती है। भले ही उन्हें कितने बड़े महल में क्यों ना बैठा दो, लेकिन तुम जैसे चीप लोग अपनी चीपनेस कभी नहीं छोड़ते। मैं तुम्हें यहाँ इतने बड़े महल की महारानी बनाने के प्लान्स बना रही हूँ और तुम हो कि तुम्हें इन छोटी छोटी चोरियों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। जी कौन सी नई ट्रिक्स सीख ली हाँ तुमने? इतने दिनों से देख रही हूं मैं तुम्हारी आंखों का रंग बदल रहा है, ये क्या है? तुम ना बियर्ड पे बियर्ड होती जा रही हो। देखो मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, मुझे जवाब दो, क्या है तुम्हारा ये नाटक? रास्ते में आने की कोशिश मत करना मेरे, भुगत तो सजा। यामिनी उठो, यामिनी भाभी साहब, पद्मिनी सम्राट, क्या हो गया सब लोग? भाई साहब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि यामिनी को कैसे ये चोट लगी। आखिर वो कैसे गिरी सीढ़ियों पर से? भाभी साहब जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। आई स्वेयर डैड, अगर एक बार मुझे पता चल गया कि ये किसने किया है तो मैं उसे जान से मार दूंगा। रिलैक्स सम्राट, चाची साहब को होश आ जाए, सब पता चल जाएगा। ओके कहीं ये उस औरत ने तो नहीं किया जिसके अंदर छबीली की आत्मा है? बड़ी गहरी सोच में डूबा है ये राजगुरु, पर लाख कोशिश कर ले तुझे खबर भी नहीं होगी और हम अपनी आजादी का रास्ता बना लेंगे।